वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज उदयपुर में मेरा चौथा दिन है और कहूँ तो आखिरी सुबह है। अब मुझे उदयपुर से माउंट आबू के लिए रवाना होना है मेरे अगले डेस्टिनेशन के लिए। 3 दिन मैंने उदयपुर में बहुत ही मज़े किए और सारे हिस्टोरिकल प्लेस में यहाँ पे घूमा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त अनुभव रहा है उदयपुर में मेरा घूमने का। लेकिन अगर सच मायने में कहूँ तो 3 दिन बहुत कम होते हैं और किसी सिटी को 3 दिन में पूरा एक्सप्लोर करना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि मुझ में बहुत ज़्यादा एनर्जी भरी होती है, तो मैं किसी भी कंडीशन में कोई भी चीज़ स्किप नहीं करता हूँ, सब जगह घूम लेता हूँ मैं। तो ढेर सारी मेमोरीज, ढेर सारी यादें लेके उदयपुर से निकल रहा हूँ और अगले पड़ाव यानी कि अगले हॉलीडे डेस्टिनेशन के लिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, माउंट आबू, जो कि यहाँ से करीब 200 किलोमीटर है, यानी कि 3 घंटे का ड्राइव है। बहुत मज़ा आने वाली है वहाँ पर घूम के, क्योंकि मैं माउंट आबू में करीब 30 साल पहले गया था और उसके बाद फिर आज मैं अपने फैमिली के साथ में माउंट आबू जा रहा हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाली है, वहाँ पर भी बहुत ही सीनिक ब्यूटी है, बहुत सारी मेमोरीज उधर भी जाके क्रिएट करने वाला हूँ, बनाने वाला हूँ और उन सारी मेमोरीज को कैप्चर भी करने वाला हूँ, मेरे लिए और आपके लिए भी कैप्चर करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वक्त मैं माउंट आबू पहुंच चुका हूं 3 घंटे की कार ड्राइव करने के बाद में, और स्टर्लिंग हॉलीडेज में मैंने यहां पे मेरे रूम्स बुक किए हैं 2 दिन के लिए। 2 स्टूडियो रूम मैंने बुक किए हैं मेरे और मेरे फैमिली के लिए। स्टूडियो रूम बहुत ही अच्छे है, स्पेशियस है, जगह भी मुझे बहुत अच्छी लगी है। चलिए मैं आपको इस स्टूडियो रूम का एक वीडियो शूट करके दिखाता हूँ। और स्टूडियो रूम की सबसे बेस्ट बात यह है कि स्टूडियो रूम के बाहर एक बहुत अच्छी सी बालकनी दी है, जिसे मुझे बहुत पसंद आती है। तो चलिए मैं आपको स्टूडियो रूम को शूट करके दिखाता हूँ, देखिए आप भी एंजॉय कीजिए। इस वक्त मैं माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर गुरु शिखर मंदिर पे आया हूँ। गुरु शिखर मंदिर के बारे में मैं आपको इतना बता दूँ कि ये 5676 यानी कि 5676
मीटर ऊंचाई पर है। तीसरी इसकी खासियत जो है ये अरावली श्रृंखला, जो राजस्थान जो है चारों ओर से अरावली पहाड़ों से घिरा हुआ है, राजस्थान में सबसे ऊंचाई पर अरावली पर्वत के सबसे ऊंचाई पर अगर कोई मंदिर है तो एकमात्र गुरु शिखर मंदिर है। और यहाँ पे पहुँचने के बाद में आपको पूरे राजस्थान का जो सीनिक ब्यूटी आपको यहाँ से देखने वाली है वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखने वाली है। और ये मंदिर भगवान श्री विष्णु के अवतार दत्तात्रेय को समर्पित है, उन्हीं का ये मंदिर है। तो दोस्तों जब कभी भी आप माउंट आबू आओ तो ये मंदिर बहुत रेयर है, सबसे ऊंचाई पर है। यहाँ से आपको पूरे माउंट आबू का ही नहीं बल्कि राजस्थान का भी बहुत ही खूबसूरत व्यू मिलने वाला है। तो आप इस जगह को कभी मिस मत कीजिएगा, यहाँ आते हो तो यहाँ पे दर्शन के लिए ज़रूर आइए। और फोटोग्राफी के लिए भी ये जगह बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है। और यहाँ से सनसेट देखने के लिए भी मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर जगह माउंट आबू में और कोई नहीं है, क्योंकि ये जगह बहुत ही ऊंचाई पर है। धन्यवाद। Thank you.
Thank you.